मौजूद सामईन हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हजरात, मैं कुतुबुल मदार जिंदा शाहब अली की आपको एक बिल्कुल सच्ची करामत सुनाने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है मदार साहब की जिंदा करामत। इसके फनकार हैं शकील अशफाक कव्वाल और रैना बदायूं। इसके शायर हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब फैज़ बदायूनी साहब। म्यूजिक से सजाया है नसीर अहमद साहब ने। इसकी रिकॉर्डिंग की है मिस्टर चंद्र गांधी जी ने, एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। तो लीजिए, मैं कुतुबुल मदार का ये वाकया यहाँ से पेश कर रहा हूँ, मुलाहजा कीजिए। बिस्मिल्लाह कर ली पाक जब अपनी जुबान, पढ़ के बिस्मिल्लाह कर ली पाक जब अपनी जुबान, पढ़ के बिस्मिल्लाह कर ली पाक जब अपनी जुबान। फैज लिखता है सुनो शाह मकनपुर का बयान, फैज लिखता है सुनो शाह मकनपुर का बयान, फैज लिखता है मकनपुर का बयान। पढ़ के बिस्मिल्लाह कर ली पाक जब अपनी जुबान, पढ़ के बिस्मिल्लाह कर ली पाक जब अपनी जुबान, पढ़ के बिस्मिल्लाह कर ली पाक जब अपनी जुबान। फैज लिखता है सुनो शाहे मकनपुर का बयान, फैज लिखता है सुनो शाहे मकनपुर का बयान, मकनपुर का बयान। हजरत बदी उद्दीन जिंदा शाह मदार, आपके दम से मकनपुर में रहा करती बहार। आप अल्लाह के वली है आपका ऊंचा मकान, आपकी अजमत का चर्चा करते हैं दोनों जहां। आपके रोजे पे है काबे के जैसा ही गिलाफ, रोज करती है अबाबीले यहाँ आकर तवाफ। हिंदू में इस्लाम सबसे पहले लाए हैं हुजूर, सबसे पहले आपने फैलाया दीने हक का नूर। आपके दर से जमाना हो रहा है फैजियाब, आपका अब भी जमाने पे करम है बेहिसाब। आपके दर का हुआ है जो भी तो दिल से गुलाम, उसने पाया है जहां में तो बड़ा आला मकाम। आपके दर की ज़ियारत सबको करनी चाहिए, आपकी निस्बत ज़माने भर को पानी चाहिए। जानता सारा ज़माना क्या है इनका मर्तबा, जानता सारा ज़माना क्या है इनका मर्तबा, जानता सारा ज़माना क्या है इनका मर्तबा। आइए इनकी करामत का सुनो एक वाकया, आइए इनकी करामत का सुनो एक वाकया, आइए इनकी करामत का सुनो एक वाकया।
आइए हजरात, मैं यहाँ से कुतुबुल मदार की करामत पेश कर रहा हूँ। कुतुबुल मदार के आने से पहले मकनपुर में बहुत ज़्यादा बुत परस्ती थी और इंसान अपने आप को खुदा कहलवाते थे। आगे क्या होता है मैं इस वाक्य में आपको सुना रहा हूँ। आप जब आए मकनपुर, कुफ्र हर सुआ मुथा, कोई भी लेता खुदा का ना यहाँ पर नाम था। बदअकीदत थे बहुत ही, रब को वो ना मानते। कौन है मालिक हकीकी वो नहीं पहचानते। उन दिनों चलता यहाँ पर एक था ऐसा रिवाज, जिसको दिल से मानता उस वक्त का सारा समाज। तब खुदा चुनने का होता था यहाँ पर इम्तहान, सांस ज्यादा रोकता जो उसकी बढ़ जाती थी शान। मान लेते थे मकनपुर में उसी को सब खुदा, सात दिन से ज्यादा अपनी सांस को जो रोकता। एक दिन की बात है मजमा मकनपुर में लगा, किसको चुनना है खुदा ये इम्तहान होने लगा। एक मैदान में जमा सारा मकनपुर हो गया, अब चुना जाना खुदा है ऐसा हल्ला हो गया। आदमी संग औरतें भी आ गई मैदानों में, आदमी संग औरतें भी आ गई मैदान में, आदमी संग औरतें भी आ गई मैदानों में। होड़ बनने की खुदा अब लग गई इंसानों में, होड़ बनने की खुदा अब लग गई इंसान में, होड़ बनने की खुदा अब लग गई इंसान में। जो इंसान अपनी सांस को सात दिन से ज्यादा तक रोकता था, उस इंसान को उस गांव वाले छह महीने तक का खुदा बना देते थे और वो इंसान अपने लिए खुदा कहलवाता था। आगे क्या होता है मुलाहिजा कीजिए। पास आया आपके था आपका जब एक मुरीद, बात हजरत को बतानी ये लगी उसको मुफीद। अब तो जिंदा शाह भी आकर हुए लोगों कयाम, सांस अपनी थाम करके बैठे लेके रब का नाम। जो लगा मजमा वहाँ पे चल रहा था इम्तहान, आपकी जानिब नहीं था उस घड़ी लोगों ध्यान। सात दिन पूरे हुए तो हो गया ऐलान था, अब मकनपुर का खुदा एक बन गया इंसान था। पास जिस इंसान ने लोगों किया था इम्तहान, वो बड़ा मजबूत था और था बड़ा ही पहलवान। मच गया हल्ला शहर में जब हुआ ये इंतखाब, सब वहाँ पर थे बहुत खुश ना कोई था इज़्तराब। फूल मालाएं पिना कर उसकी इज्जत की गई, सबने माना देवता था उसको अजमत दी गई। सब उसी को पूजते अब और कहते थे खुदा, सब उसी को पूजते अब और कहते थे खुदा, सब उसी को पूजते अब और कहते थे खुदा। आरती करते थे उसकी मांगते उससे दुआ, आरती करते थे उसकी मांगते उससे दुआ, आरती करते थे उसकी मांगते उससे दुआ।
शाहे कुतुब की आगे की ये दास्ता। बिल्ली ये दुनिया के हजरत ने दिया ये मोतहा। छह महीने से वहीं पर आप तो बैठे रहे, नाम रब लेते रहे और सांस को रोके रहे। जो मकनपुर का खुदा था उसको थी सारी खबर, आपके हालात पे रखता था वो हर पल नजर। अपने कासिद से वो उनका लेता रहता हाल चाल, उसको डरता आने वाला है खुदाई का जबाल। छह महीने बाद फिर से आज एक मजमा लगा, फिर मकनपुर वालों को चुनना पड़ा अपना खुदा। फिर उसी मैदान में आकर जमा सब हो गए, जिस जगह शाहे मकनपुर सांस थे रोके हुए। फिर से होने लग गया था पहले जैसा इम्तहान, फिर से सबने चुन लिया अपना खुदा वो पहलवान। जब चुना उसको खुदा तो लोगों से उसने कहा, जब चुना उसको खुदा तो लोगों से उसने कहा, जब चुना उसको खुदा तो लोगों से उसने कहा, है मकनपुर में हमारे एक खुदाओं का खुदा। है सांस अपनी सात दिन, एक बशर ऐसा जो बैठा छह माह से रात दिन। मुझको लगता है उसी के पास चलना चाहिए, वो ही असली है खुदा का मन पकड़ना चाहिए। सब मकनपुर वाले पहुँचे फिर वहाँ करते पुकार, थे जहाँ बैठे हुए हजरत शहे कुतुबुल मदार। आपकी आँखों में थे जलवे खुदा के दीन के, आप अल्लाह की इबादत में बड़े ही लीन थे। मान बैठे थे सभी अब आपको अपना खुदा, सब गिरे कदमों में आकर आपको सजदा किया। आपको मालूम ना था आप थे खोए हुए, राह हक में आप बैठे सांस थे रोके हुए। जब मुरीदों ने ये देखा तो हुई बेहद खुशी, आके हजरत को उठाया बात बतलाई सभी। हाथ जोड़े थे मुरीदों ने ये खुश होकर कहा, हाथ जोड़े थे मुरीदों ने ये खुश होकर कहा, हाथ जोड़े थे मुरीदों ने ये खुश होकर कहा। आपको माना है हजरत अब मकनपुर ने खुदा, आपको माना है हजरत अब मकनपुर ने खुदा, आपको हजरत अब मकनपुर ने खुदा। जब सुना हजरत ने तो सबको बुला करके कहा, कोई भी इंसान बन सकता नहीं लोगों खुदा, एक है सबका खुदा वो पाक है उस रब की जात। उसके आगे कुछ नहीं इंसान की होती विसार, उसकी मर्जी से चला करता है दुनिया में निजाम। वो ही है मालिक सभी का, वो ही है आला मकाम। उसका पाते हैं इशारा तभी होते रात दिन, उसकी मर्जी से
यहाँ गुलजार होते हैं चमन। उसने दुनिया को बनाया मालिक मुख्तार है, हुक्म चलता है उसी का वो ही पालनहार है। मैं भी बंदा हूँ उसी का, उसने ही पैदा किया, उसकी है सारी अताएं जो दिया ये मर्तबा। वो अगर चाहे तो पल में कर दे सब कुछ तार तार, वो अगर चाहे तो वीराने में भी लाए बहार। दीने हक पे तुम चलो वो दीन तो इस्लाम है, यही पैगाम है। एक है सबका खुदा मेरा, यही पैगाम है। एक है सबका खुदा मेरा, यही पैगाम है। देखिए हजरात, कुतुबुल मदार ने 6 महीने तक अपनी सांस को रोका, फिर वहाँ के लोगों ने उनसे खुदा कहना शुरू कर दिया। फिर मदार साहब ने उन लोगों से कहा, देखिए हम खुदा नहीं हो सकते, हम उस मालिक के बंदे हैं जिसने की पूरी कायनात को पैदा किया है और आपको पैदा किया है, हम आपको खुदा नहीं कहलवा सकते। फिर वहाँ के लोगों ने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। तो ये थी कुतुबुल मदार की जिंदा करामत। हम सभी को चाहिए सजदे उसी रब को करें, सब करें उसकी इबादत और डर करके रहें। जब सुना आवाम ने हजरत की इस तकरीर को, छोड़ करके बुत परस्ती सौंपा था तकदीर को। पढ़ लिया कलमा सभी ने साहिबे ईमान हुए, बैत करके आपकी सब भी मुसलमान हो गए। दीन हक का इस तरह परचम वहां लहरा गया, रब की मर्जी से मकनपुर आला दर्जा पा गया। गूंज उठा था घरों में नाम अब अल्लाह का, पढ़ रहे थे लोग कलमा अब रसूल अल्लाह का। आपने तो यूं दिखाई है करामत बेशुमार, आप पे सारा मकनपुर हो गया था पुनसार। आप सुनते हैं सभी की, आप हैं जिंदा वली, आपको जिसने पुकारा उसने पाई है खुशी। आस्ताने पर रहा करती सदा इनके बहार, आस्ताने पर रहा करती सदा इनके बहार, आस्ताने पर रहा करती सदा इनके बहार। फैज़ ऊंची शान वाले हैं मेरे कुतुबुल मदार।